हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपने समय को 30 मिनट से कम कर लेता है तो उसकी नई गति क्या होगी या नई चाल क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है व्यक्ति के द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुल दूरी बराबर 60 किलोमीटर। क्लियर? ओके। वहीं इस दूरी को तय करने में व्यक्ति के द्वारा कितना समय लिया जाता है, तो दिया हुआ है 2 घंटे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समय बराबर 2 घंटे या 2 आवर। क्लियर है? ओके। अब आगे कहता है यदि वह व्यक्ति जो है अपने समय को 30 मिनट कम कर लेता है तो उसकी नई गति क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं नई गति बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, वही समय में कितने की कमी की जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं समय में की जाने वाली कमी बराबर कितना है, तो ये है 30 मिनट। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम हम लोग इस व्यक्ति की चाल या फिर गति को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे तब व्यक्ति की प्रारंभिक चाल अथवा गति बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा दूरी बटे में समय। तो व्यक्ति के द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 60, बटे में समय कितना दिया हुआ है, तो 2 घंटे। तो आगे जब हम लोग 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 एकम 2 है ना, 2 3 6 और 2 0 0, तो जो 60 है वो 2 से 30 बार में भाग चला जाएगा। इस तरीके से जो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक गति का मान आ रहा है कितना, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के अनुसार समय में हम लोग क्या करेंगे, कमी करेंगे। समय में हमको कितनी की कमी करनी है, तो हमें 30 मिनट की कमी करनी है। क्लियर है? तो चलिए, समय जो दिया हुआ है 2 घंटा, उसमें से हम लोग 30 मिनट को माइनस कर देते हैं। क्लियर है? ओके, तो समय बराबर हमारे पास कितना है, तो समय बराबर हमारे पास वैल्यू है इसकी 2 घंटे, ठीक है। और यार 2 घंटे जो है इसमें कितने मिनट होंगे, इसकी यदि बात करें तो 2 घंटे में कुल होंगे 120 मिनट, ठीक है। अब इस 120 मिनट में हमको 30 मिनट को माइनस करना है, तो चलिए कर देते हैं। तो 120 माइनस 30, इसको जब माइनस करेंगे तो 120 में से 30 को जब माइनस किया जाता है तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा 90 मिनट। क्लियर है? और 90 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा इसकी बात करें, तो ये होगा 1.5 घंटे के बराबर या फिर 1.5 घंटे के बराबर होगा। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने व्यक्ति की प्रारंभिक चाल क्या होगी इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है। चाल बराबर हमने क्या निकाला है, या प्रारंभिक चाल बराबर हमने कितना ज्ञात किया है, तो ये ज्ञात किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वहीं समय में 30 मिनट की कमी करने पर जो समय बचेगा वो कितना निकल कर आया, तो ये आया है 1.5 घंटे या फिर 1.5 घंटे, ठीक है। अब इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, व्यक्ति की जो नई चाल है या नई गति है उसकी गणना करेंगे। तो चलिए गणना करते हैं, उसके लिए हम आगे लिखेंगे तब व्यक्ति की नई गति या फिर चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा दूरी बटे में समय।
ठीक है, तो दूरी का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दूरी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, और 30 मिनट कम करने के बाद जो समय बच रहा है उसका मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.5 घंटे या फिर 1.5 घंटे। क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 1.5 में से दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 के सामने एक शून्य लगा देंगे, यानी कि 60 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखा जाता है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दशमलव के बाद एक ही संख्या है 5, इसलिए ऊपर वाली संख्या के साथ एक ही शून्य लगेगा या एक शून्य जो है जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए दशमलव के बाद यदि दो संख्या रहता, ठीक है, 5 5 2 बार रहता या 5 6 रहता या 5 के अलावा और कोई अन्य संख्या रहता, ठीक है, तो यहाँ पर दो शून्य लग जाते और नीचे का जो दशमलव है वो हट जाता। तो इस तरीके से हम इसको आगे लिख सकते हैं 600/15। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे इस 600 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 15 शून्यम 0। ठीक है, इस तरीके से जो 600 है वह 15 से भाग देने पर 40 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा, तो यही व्यक्ति की नई गति या नई चाल होगी। ठीक है, जो कि कितना आ रहा है, वो जो आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको मैं बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पास व्यक्ति की नई चाल बराबर कितना आया है, तो यह आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? एक व्यक्ति 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह अपने समय को 30 मिनट से कम कर ले या 30 मिनट कम कर लेता है, तो उसकी नई गति या नई चाल क्या होगी, तो उसकी नई गति या नई चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।